वेल दोस्तों, गदर 3 का इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए गदर 3 से जुड़ी हुई मजेदार अपडेट और बहुत ही शानदार थ्योरीज सामने निकल कर आ गई हैं। एंड आई एम श्योर जिसे सुनने के बाद आपका गदर 3 के लिए एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आप किसी फिल्म का इंतजार करो ना करो, लेकिन गदर 3 के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहने वाले हो। तो क्या है खबर, बात करेंगे इस बारे में, साथ ही बात करेंगे गदर 3 आपको कब तक देखने को मिलने वाली है और किस मुद्दे पर रहने वाली है गदर 3 की कहानी। क्या फिर से बजेगा पाकिस्तान में तारा सिंह का डंका या होगी इस बार किसी और देश से मुलाकात। तो सारी बातों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स को कर फ्रेश और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों सनी पाजी कई फिल्मों के साथ नजर आने वाले हैं, बाप लाहौर 1947, सफर और बॉर्डर, लेकिन गदर सनी देओल की एक ऐसी फिल्म है जिसके पहले पार्ट ने 2001 में धमाल मचाया था और इसके दो ने 21 साल बाद आकर पुरानी वाली गदर के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और गदर के लिए लोगों का प्यार देखकर फिल्म निर्माता अनिल शर्मा ने गदर 3 की स्क्रिप्ट पर काम चालू कर दिया है। और दोस्तों खबरें आ रही है कि गदर 3 के लिए फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि 2025 तक फिल्म को कंप्लीट कर 2025 के लास्ट में फिल्म को लाने की प्लानिंग चल रही है। और तो और दोस्तों गदर 3 का बजट गदर 2 से बहुत ज्यादा होने वाला है, तकरीबन 250 से 300 करोड़ का बजट बताया जा रहा है फिल्म का, क्योंकि दोस्तों गदर 3 में इस बार भारी मात्रा में VFX और पहले के मुताबिक और भी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों फिल्म की कहानी को लेकर क्या कुछ खबरें हैं और क्या कुछ फैन थ्योरीज चल रही हैं। तो दोस्तों खबरें हैं कि अनिल शर्मा को दो स्टोरी पसंद आई है, जिनमें से एक हिंदुस्तान वर्सेस चाइना होगी और दूसरी हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान, जहां इस बार तारा सिंह हिंदुस्तानी सोल्जर को बचाने के लिए दूसरे देश जाने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी अनिल शर्मा फिर से तारा सिंह को पाकिस्तान भेजते हैं या फिर चाइना। और जैसा कि दोस्तों फिल्म का बजट इस बार बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए कुछ रूमर्स और फैन थ्योरीज आ रही है तारा सिंह जिस ऑफिसर को बचाने के लिए पाकिस्तान या चाइना जाएंगे, उस ऑफिसर के किरदार में सलमान खान नजर आ सकते हैं और दोनों मिलके जबरदस्त एक्शन के साथ गदर मचाने वाले हैं गदर 3 में। अब हालांकि दोस्तों ये फैन थ्योरी है, लेकिन अगर गदर 3 में सलमान खान और सनी पाजी एक साथ नजर आते हैं तो फिल्म का एक्शन का लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। बाकी दोस्तों फिल्म 2025 में आने की खबरें हैं। अब ऐसे में आप गदर 3 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सलमान खान और सनी पाजी को एक साथ आना चाहिए गदर 3 में या फिर सनी पाजी को अकेले आकर धमाल मचाना चाहिए? आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।